वेस्ट चीज़ों को रीयूज करके एक अच्छा चीज़ बना हो जाए, इसमें से खुशी की बात और क्या हो सकती है। कम एफर्ट में, कम पैसे में अगर हम कुछ बेकार चीज़ों से कुछ अच्छा होम डेकोर या घर की कोई भी कोना सजा सकते हैं, इसमें से खुशी की बात और क्या हो सकती है। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कोई भी चीज़ ऐसे बेकार चीज़ों से कुछ अच्छा चीज़ बना देंगे ना, बहुत ही खुशी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते आज के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कुछ बेकार चीज़ों से कुछ इंटरेस्टिंग का होम डेकोर आइटम बनाएंगे। ये एक टमाटर सॉस का बोतल है और इसमें हम बस वही जैसे ग्लास पेंटिंग होता है ना, वही बोतल पेंटिंग वही बनाते हैं। और बहुत ही इजी और सिंपल मैं ये बना रही हूँ। इसमें ना कोई भी बच्चा भी बना सकते हैं। बस मैंने ये एक स्काई ब्लू कलर बनाई हूँ और इसमें थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट मिला के थोड़ा टेक्सचर पेंट के टाइप का ऐसे बनाई हूँ। आपके पास व्हाइट सीमेंट नहीं है तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हो, कोई भी पाउडर आपके पास होगा, जो फेस पाउडर, या आप वॉल पुट्टी भी यूज कर सकते हो। पूरे बेड बोटल को अच्छे से हम पेंट कर देंगे। ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, क्विक DIY है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत सुंदर सा डेकोर पीस बन जाएगा आपका। हम तो ऐसे बेकार सोच के टमाटर सॉस बोतल को फेंक देते हैं। अगर थोड़ा सा कम एफर्ट में एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा होम डेकोर आइटम बन जाएगा ना, बहुत ही खुशी मिलेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा है मेरा ये DIY और आपको आप कैसे बनाएं। और अभी ये ड्राई हो गया है, हम पहले उसको पेंट करके ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। उसका अभी ये ड्राई हो गया, उसके बाद ये वाइट कलर लेंगे। एक्रिलिक कलर लिया है मैंने, बस बस में डब 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 करना है, जैसे बोलते हैं ना स्काई में और ये बादल छा रहा है बस। बहुत ही सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल आएगा इसका एफर्ट, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आप भी बोलना कैसा लगा ये वाला मेरा ये आइडिया। मैं स्पंज लेके डब डब ही करना है, इसमें कोई भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपके बच्चे भी ये सारे कर पाएंगे। इसको आप मनी प्लांट रख के भी सजा सकते हो, इसके अंदर मनी प्लांट रख के, या नहीं तो आप फ्लावर ब्लाबास की तरह भी यूज कर सकते हो। आप कैसे भी यूज कर सकते, तो ऐसे भी सिंपल सा ऐसे भी कोई भी कोने में रखोगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारा बन गया ना बहुत इजी एंड क्विक सा होम डेकोर आइटम। ये थोड़ा कोड लिखती हूँ मैंने, आई फ्लाई इन द स्काई, और ऊपर से थोड़ा जुट पर ऐसे डाल दूँ, थोड़ा और थोड़ा सुंदर लगेगा और थोड़ा एनहांस होगा इसका ब्यूटी। अच्छा लग रहा है ना ये वाला, दिख रहे हैं ना बेकार सा टमाटर सॉस बोतल पे किसी सुंदर सा ब्यूटीफुल सा होम डेकोर बन गया। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। चलिए फिर जब ये दूसरा वाला DIY बनाते हैं। ये भी देखो कि बेकार का प्लास्टिक बोतल है, इसको भी हम यूज करेंगे। ये डेटल का आता है ना, ये वही इसका बोतल है। इसको पहले हम जेसो या व्हाइट एक्रिलिक पेंट करेंगे। मेरे पास जेसो नहीं है था, इसलिए मैं इसको व्हाइट एक्रिलिक पेंट से कवर कर रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक है थोड़ा सा, मतलब पहले कोई भी कलर थोड़ा सा दे दोगे ना व्हाइट कलर या जेसो, तो थोड़ा सा इसका दूसरा कलर थोड़ा एनहांस होकर आएगा। और ये व्हाइट कलर ड्राई होने के बाद मैं उसके बाद ये मैं टर्किश ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ स्पंज के साथ, क्योंकि नहीं तो ब्रशेस की वो स्ट्रोक आ जाती है इसके ऊपर, इसलिए मैं स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। कलर चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर आप इसमें कर सकते हो। मेरा ये फेवरेट कलर है, इसलिए मैं हर किसी में ट्राई करती हूँ ये वाला कलर करने के लिए। पता नहीं, मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है। और इसमें मैंने ये राजस्थानी सा एक पेंट पहले से ड्राइंग बना दी हूँ। आप भी मेरी तरह इतना अच्छा अगर मतलब पेंटिंग नहीं करो, आप पहले से अगर अच्छा ड्राइंग हो पा रहा है तो आप फ्री हैंड ऐसे कलर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह ऐसे पहले ड्राइंग कर लो, उसके बाद कलर कर लो। मैं पहले से ही बोली हूँ कलर चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। और मुझे ये राजस्थानी ड्राइंग ये आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो मुझे बहुत पसंद था। मन था कभी भी एक ऐसे टाइप का ड्राइंग बनाऊँ और पेंटिंग बनाऊँ।
आप और भी कुछ, आपके पास अगर कुछ ड्राइंग आ रहा है तो आप और भी कुछ बना सकते हो, आपके हाथों में जो इजी लगे, जो हाथ में हो सकता है वो बना सकते हो। आप इंस्टा पे देखो, यूट्यूब में देखो, ये बहुत ट्रेंड पे है, तो ये मुझे इसलिए बहुत पसंद था, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ। और इसमें आप कि आपके हिसाब से बहुत अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हो, 3D आउटलाइनर भी ले सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल था उसी में ही मैं बनाई हूँ, और मैं भी सोचती हूँ कि ऐसे चीज़ बनाया जाए जो हर कोई बना सके, थोड़ा इजी भी हो, थोड़ा सिंपल भी हो, तो कोई भी बना सके। आप बताना मेरा ये राजस्थान का वो कैसे लग रहे हैं। बन गया हमारा ये राजस्थानी ड्राइंग। और यूट्यूबर सब होम देखो, नीचे में थोड़ा सा राम राम सा लिख दी हूँ, ये बहुत ही सुंदर लगा, और थोड़ा मोतियाँ भी लगा दी हूँ, और थोड़ा सुंदर लगेगा करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और फिर आगे वाले वीडियो को ज़रूर इंतज़ार करना, ज़रूर देखना मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।